हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अरबी क्लासेस। और अब की बार CHS पार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास 9th की इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आज हम लोग 400 से 450 तक के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, और या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं 401 नंबर से। 401 नंबर आप लोग हमारे साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाके हमारे साथ साथ आप आंसर दीजिए, और अपने आंसर को मिला के टोटल नंबर काउंट करिए। इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद करते आइए स्टार्ट करते हैं 401। व्हाट इज़ द पार्ट्स पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड शेक? शेक का पार्ट्स पार्टिसिपल क्या होगा? तो शेकिन, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पास्ट ऑफ वर्ड अराइजन? अराइजन का पास्ट क्या होगा? तो अरोज। व्हाट इज़ द प्रेजेंट ऑफ द वर्ड बिगिन? बिगिन का क्या होगा? बींग, बिगिन। ठीक है, अपोजिट ऑफ द वर्ड हेट? हेट का अपोजिट बताना है, तो 4 का ए अफेक्शन। अफेक्शन इज द अपोजिट ऑफ हेट। अपोजिट ऑफ वर्ड वीक? वीक का अपोजिट बताना है, 405 का बी स्ट्रॉन्ग। वीक का स्ट्रॉन्ग होता है। 6 अपोजिट ऑफ रूलर? रूलर का अर्बन होगा। रूलर मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन मतलब होता है शहरी। ट्रेजडी, ट्रेजडी का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। ट्रेजडी का अपोजिट वर्ड 407 का सी कॉमेडी होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 408 की तरफ। आप लोग साथ साथ में आंसर देते रहना, वीडियो पॉज कर कर करके आप लोग आंसर दे सकते हो, और अपने आंसर को फिर हमारे आंसर के साथ मिलाते रहिएगा। ठीक है, आइए 408 हमारा है। अपोजिट ऑफ एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट का अपोजिट 408, एक्सपोर्ट का इंपोर्ट होता है। अपोजिट ऑफ इग्नोबल? इग्नोबल का अपोजिट क्या होगा? 409 का सी नोबल। इग्नोबल का नोबल। 410 अपोजिट ऑफ अनकाइंड? अनकाइंड का अपोजिट काइंड। द सिनोनिम ऑफ वर्ड वर्थ? वर्थ का सिनोनिम क्या होगा? 411 का बी एंगर। 412 सिनोनिम ऑफ मैरी? मैरी का सिनोनिम क्या होगा? तो मैरी का सिनोनिम वेड होगा। ठीक है, वर्च्यू? वर्च्यू का सिनोनिम क्या होगा? 413 का सी गुडनेस। 414 सिनोनिम ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी का सिनोनिम फ्रीडम। सिनोनिम ऑफ वाइज? वाइज का सिनोनिम क्या होगा? 415 का ए एविल। वन हु मेक ज्वेलरी इज कॉल्ड? जो ज्वेलरी बनाता है उसे क्या कहते हैं? 416 का बी गोल्डस्मिथ। जो लोहे का काम करता है उसको ब्लैक स्मिथ कहते हैं। ठीक, कोबलर कहते हैं जूता बनाने वाले को। ठीक है, मोची जिसे हम लोग कहते हैं। बेबी ऑफ बफेलो इज कॉल्ड? इज बफेलो काफ। व्हाट इज द कंपरेटिव डिग्री ऑफ चीप? चीप का कंपरेटिव डिग्री क्या होगा? तो वो ए चीपर होता है। राइट द सुपरलेटिव ऑफ मोस्ट केयरलेस ऑफ वर्ड केयरलेस? केयरलेस का सुपरलेटिव बताना है। 419 का बी होगा मोस्ट केयरलेस। राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वर्दी? वर्दी का सुपरलेटिव बताना है। 420 का बी होगा वर्दीएस्ट। आगे बढ़ते हैं। द प्लूरल वर्ड ऑफ मोनार्च? मोनार्च का प्लूरल बताना है। 421 का बी होगा मोनार्चीज। द प्लूरल ऑफ गूज? गूज का प्लूरल बताना है। 422 का ए गूज का गीज होगा। 423 द प्लूरल ऑफ पियानो? पियानो का प्लूरल क्या होगा? 423 का बी पियानोज होगा। 424 प्लूरल ऑफ वैली? वैली का क्या होगा? 24 का बी वैलीज होगा। द प्लूरल ऑफ फूट? फूट का प्लूरल क्या होता है? 425 का सी फीट। पिक आउट द ऑड वन? यहाँ पे ऑड कौन सा दिख रहा है? 426 का डी
बाकी सबके पैर होते हैं, स्नैक के पैर नहीं होते हैं। पिक आउट द ऑड वर्ड 427, 427 का डी मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड फ्लावर है, बाकी सब वर्कर हैं, ठीक है। पिक आउट द ऑड वर्ड, यहाँ से फिर पिक आउट करना है, 28 का डी होगा एप्पल, बाकी सब फ्लावर का नाम है, ये फ्रूट्स के नेम हैं। फिर नेक्स्ट है ऑड वन, फिर से फाइंड करना है, 429 का सी बफेलो, बाकी सारे बर्ड्स हैं पर बफेलो है एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट है 430, 430 में अगर आप देखें पिक आउट द ऑड वन, 430 में पिक आउट ऑड वन, तो ये जिंजर होगा, ये बाकी सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं वो फ्रूट्स के हैं, वेजिटेबल में आता है जिंजर। पिक आउट द ऑड वन, 431 का सी होगा बुल, ठीक है। 432 पे आते हैं, पिक आउट द ऑड वर्ड 432, 432 का सी होगा जेब्रा, ठीक है, बाकी सब इंसेक्ट है, ये एनिमल है। 433 पे देखते हैं, 433 पिक आउट द ऑड वर्ड, यहाँ पे बाकी सारे एनिमल के बेबीज हैं। 434 में अगर हम लोग देखते हैं, 434 का सी डेंटिस्ट, बाकी सब पेरेंट्स होते हैं, ये प्रोफेशन है। पिक आउट द ऑड वन, 435, 435 में अगर आप देखते हैं, 435 में क्या होगा, 435 का सी मिल्कमैन, बाकी सारे फ्रूट्स के नेम हैं। पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, 436, 436 का बी होगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। 437, 437 में अगर आप देखें, 437 में ए, यहाँ पे ऑथर की स्पेलिंग जो है सही है। नेक्स्ट 438 में बैचलर की स्पेलिंग बतानी है, 438 में बैचलर की स्पेलिंग, 38 का बी होगा बैचलर की सही स्पेलिंग ये है। मॉनिटर की सही स्पेलिंग बतानी है, 439, 439 में मॉनिटर की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी होगी। 440 में हमको इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग सही बतानी है, 440 की बी होगी इंट्रोगेटिव। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से दे फाउंड आउट डैश द ट्रूथ वॉज, 441, 441 का ए व्हाट, रमा टोल्ड मी डैश सी फेल इल, 442, 442 का सी होगा हाउ, रमा टोल्ड मी हाउ शी फेल इल, डू यू नो डैश सी केम हेयर, 443 में बी होगा, डू यू नो व्हेन शी कम हेयर, सी इज द वुमेन डैश सन इज अ क्रिकेटर, 444 में देखते हैं तो सी इज अ वुमेन हुज सन इज अ क्रिकेटर, 445 देखते हैं, यू हैव अन हॉबी डैश एक्सपेंसिव, 445 में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, यू हैव अ हॉबी दैट इज एक्सपेंसिव, 446 अनीता इज काइंड डैश मी, 446 का सी होगा, अनीता इज काइंड टू मी। 447 द टीचर इज एंग्री, द टीचर इज एंग्री, 447 का बी होगा विथ, द टीचर इज एंग्री विथ मी। और 448 सपना हैज कम डैश कार, 448 का अगर हम लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन सही होगा बाई कार, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसमें जितने मीनिंग्स हैं सारे की स्पेलिंग याद करिएगा, स्पेलिंग से बहुत कॉमन एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, और जो सिनोनिम्स वाले थे उसके भी आप सिनोनिम एंड टोनिम वाले थे उसमें सारे के वर्ड्स की मीनिंग याद करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।